दोस्तों, आपने बाघा बॉर्डर का नाम तो सुना होगा, जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और उसी बॉर्डर से हमारे विंग कमांडर अभिनंदन आए थे। आज की इस वीडियो में बताऊंगा बाघा बॉर्डर का इतिहास, कैसे जा सकते हैं बाघा बॉर्डर, क्यों फेमस है बाघा बॉर्डर, क्या टाइमिंग है बाघा बॉर्डर का, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कौन सी चीजें आप अपने साथ इस बॉर्डर पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक जानकारी मिलते रहे। चलिए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्यों फेमस है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस सेरेमनी को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में देशभक्ति से जुड़े गाने गाए जाते हैं। देशभक्ति के साथ साथ बॉलीवुड गाने में दर्शक नाचते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों ही देशों के लोग सेरेमनी का हिस्सा होते हैं। आपको बता देते हैं, बाघा एक गांव है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क ग्रैंड ट्रैक रोड के किनारे बसा हुआ है। बाघा अमृतसर से करीब 20 किलोमीटर और लाहौर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत से पाकिस्तान जाने के लिए यह एकमात्र निर्धारित रोड है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ बाघा बॉर्डर आप कैसे जा सकते हैं। आप पब्लिक बस के साथ ही कार से भी बाघा बॉर्डर पहुँच सकते हैं। ट्रेन के जरिए भी यहां तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखें, ट्रेन से पहुंचने के लिए आपको अमृतसर उतरना होगा। यहां से आप टैक्सी के जरिए बाघा बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। बाघा बॉर्डर से एयरपोर्ट करीब 35 किलोमीटर दूर है। यह अमृतसर में है। एयरपोर्ट से 40 मिनट में बाघा बॉर्डर पहुँचा जा सकता है। इसके लिए 700 से 800 रुपये खर्च करना होता है। और आपको बता दें, बाघा बॉर्डर पर टूरिस्ट के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहां से 30 किलोमीटर की दूरी यानी अमृतसर में ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। इस समारोह का आयोजन 1959 से किया जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ने पर समारोह को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं क्या टाइमिंग होती है बाघा बॉर्डर जाने की। सेरेमनी 45 मिनट की होती है। इसे सूर्य अस्त के पहले कर लिया जाता है। सर्दियों में 4 बजे और गर्मियों में 4:30 बजे से सेरेमनी शुरू की जाती है। बाघा बॉर्डर की गेट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ओपन रहता है। हालांकि सेरेमनी 4 बजे के बाद ही शुरू होती है। ऐसे में यदि आप सेरेमनी देखना चाहते हैं तो आपको किसी भी हाल में 3 बजे तक पहुंचना जरूरी होता है। आपको बता दें, वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे के दौरान सीटों की बुकिंग पहले से ही फुल हो जाती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कौन से चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पहले से ही जैमर लगे हैं, इसलिए आप मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं आता। बैग लेकर अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसमें लेडीज़ के हैंडबैग से लेकर पर्स तक शामिल है। और आपको बता दें, खाना और पानी खरीदने के लिए अंदर स्टॉल होते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, बाघा बॉर्डर जाने की एंट्री बिल्कुल फ्री है। बाघा बॉर्डर पर शाम के वक्त होने वाले परेड को देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। साथ ही परेड से पहले होने वाला रंगारंग समारोह आपका मन मोह लेगा। वहीं परेड के दौरान आप भारत और पाकिस्तान के सैनिकों को आक्रामक मुद्रा में देख सकते हैं। जब सूरज डूब जाता है तो 30 मिनट का परेड भी ड्रम और विगुल बजने के साथ तालियों का गड़गड़ाहट के बीच खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पे दो देशों के लोग आते हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। इंडिया के तरफ इंडिया के लोग होते हैं और पाकिस्तान के तरफ पाकिस्तान के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड की वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं आपको 30 सेकेंड की वीडियो दिखा देता हूँ।
दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।